अस्सलाम वालेकुम जी, सिर्फ 13,000 रुपये का आरओ आ चुका है मार्केट में। आपको इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। अगर आपके घर का पानी बहुत ज़्यादा खारा, गंदा और आलूदा पानी है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सिर्फ 13,000 के अगेंस्ट आप घर में मिनरल वाटर बना सकते हैं। कड़वे, खारे और नमकीन पानी को मिनरल वाटर बनाकर आप कई बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर मुकम्मल डिटेल, तमाम किस्म के आरओ के हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको चाहिए, उनकी प्राइस के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, तमाम किस्म के आरओ की वैरायटी आपको दिखाते हैं और उनकी प्राइस के हवाले से मुकम्मल डिटेल बताते हैं, मेरे साथ रहिएगा। UF जो फिल्ट्रेशन प्लांट इसको कहते हैं, ये देख सकते हैं 4 स्टेज में है। इसका जो बेसिक पर्पस है, एक तो पानी को साफ़ करता है, आलूदा पानी को साफ़ करने के बाद जो है इसका जो टेस्ट भी बनाता है और इसके साथ साथ इसकी जो स्मेल है पानी की वो भी ख़त्म करता है। एक नई चीज़ आई है, अगर कोई भी भाई और आरओ अगर नहीं लगवाना चाहता हो तो ये लगवा सकते हैं। अच्छा, ये इसकी क्या प्राइस है? 13,500। अगर कम प्राइस में आप लगवाना चाहते हैं तो ये 13,500 रुपये का आपको मिलेगा। ये इसके अंदर क्या है? इसमें मिनरल वगैरह जो तो ये देख सकते हैं, मिनरल वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। पर मैक्स के नाम से है ये, 6 स्टेज विद नाम का इंपोर्टेड पावर मैक्स के नाम से आ रहा है ये पाकिस्तान में। इसका रेट कुछ अरसे से वो मुसलसल बढ़ रहे थे तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी इसकी अपडेट शेयर करते हैं। तो पावर मैक्स के नाम से जो वियतनाम का है, इसका जो रेट हो चुका है इस टाइम 40,000 रुपीज़ हो चुका है 6 स्टेज में। 13 लीटर में इसका टैंक जो है वो इसके साथ ही मिलता है। 13 लीटर का टैंक है इसमें। अगर आप टैंक में थोड़ा सा साइज़ कम लेते हैं तो मज़ीद थोड़ा सा इसमें प्राइस कम हो जाएगी। इसी के साथ ये ओरेक्स कंपनी का जो है, ये भी वियतनाम का है, 6 स्टेज आरओ प्लांट है। ये भी इसका जो बेसिक पर्पस है, ये भी जो खारे पानी को जो मीठा बनाने के लिए, मतलब इसका जो नमकियात हैं उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है ओरेक्स के नाम से। अगर आपका ज़ेर ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा कड़वा खारा है, कोई जो TDS होता है वो तकरीबन 500, 600, 700, 1000 या 2000 तक भी इसका TDS चला जाता है, इस खारापन को ख़त्म करने के लिए ये आरओ प्लांट लगाए जाते हैं। तो अगर आप घरेलू मकसद के लिए लगाते हैं तो ये लगाया जाता है। इसी के साथ अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी लगवाना चाहें तो वो भी इनके पास मौजूद होते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। ये बड़े आरओ प्लांट ये देख सकते हैं आप, वो भी आप लगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं, जो कमर्शियल है घरेलू डोमेस्टिक, इसको डोमेस्टिक पंप भी डोमेस्टिक आरओ भी कहते हैं और घरेलू भी कह सकते हैं आप इसको। आधे घंटे में तकरीबन 15 लीटर पानी जो है वो आउटपुट, आधे घंटे में ये तकरीबन 15 से 20 लीटर पानी आउटपुट देता है। ये 45,000 का है। ये मैक्सी प्योर के नाम से एक नया मॉडल आया है, ये भी 6 स्टेज में है। 6 स्टेज में है, 6 स्टेज में है ये भी आरओ प्लांट के। जो 6 स्टेज आरओ प्लांट ये हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी जो स्टेजेस 6 स्टेजेस होती हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये फर्स्ट स्टेज ये फ़िल्टर होता है, फर्स्ट स्टेज इसको जो जंग वगैरह जो पानी के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है, गर्द आलूद जो पानी होता है उसको साफ कर किया जाता है, यहाँ पर साफ करता है। उसके बाद इसके बाद ये पंप इसको यहाँ से साफ़ करने के बाद भेजता है जी ये मेम्ब्रेन केस में, इसको कहते हैं मेम्ब्रेन केस। दो जगहों पे ये है, इसको डिवाइड करता है पानी, जितना भी पानी आपका जो है इस फिल्टर होने के बाद ये ट्रांसफर ये जाता है पंप में, पंप इसको जो भेजता है मेम्ब्रेन केस में। मेम्ब्रेन केस में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ये मेम्ब्रेन में जाता है, आरओ मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। मेम्ब्रेन में जाने के बाद पानी वहाँ से आप जो टैब यूज़ की जाती है, साथ ही ये टैब है आप किचन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं आप, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं पानी। चाइना है और सबसे कम प्राइस जो वियतनाम से थोड़ा सा कम प्राइस में होता है ये। इसका जो फाइनल जो रेट है वो 35,000 रुपये है। ज़्यादातर लोग यही लगवाते हैं, लॉन्ग टर्म तक चल जाते हैं, ये भी आपको मिलेगा 35,000 रुपये का। इसी के साथ एक और मॉडल मौजूद है जी, इम्पोर्टेड है ये भी वियतनाम का, लिवोटेक के नाम से। ये भी 6 स्टेज में है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड आरओ है ये। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन वियतनाम, ये भी वियतनाम का है, 6 स्टेज में है, इम्पोर्टेड है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है इसमें, घरेलू पर्पस के लिए आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। एक छोटी फैमिली के लिए एनएफ होता है ये,
तो इसकी जो प्राइस है वो 45,000 है, 45,000 का जी आपको मिलेगा ये आर ओ। फोर स्टेज में जो है वो एक और मॉडल आया, ये यू एफ कहते हैं इसको, UF जो फिल्ट्रेशन प्लांट इसको कहते हैं। ये देख सकते हैं फोर स्टेज में है इसकी, इसका जो बेसिक पर्पस है एक तो पानी को साफ़ करता है, आलूदा पानी को साफ़ करने के बाद जो है इसका जो टेस्ट भी बनाता है और इसके साथ साथ इसकी जो स्मेल है पानी की वो भी ख़त्म करता है। अच्छा ये इसकी क्या प्राइस है? 13,500। अगर कम प्राइस में आप लगवाना चाहते हैं तो ये 13,500 रुपये का आपको मिलेगा। ये इसके अंदर क्या है? तो ये देख सकते हैं मिनरल वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। जैसे ही आप सिंपल आर ओ सिंपल प्लांट की मिसाल ले लें तो सिंपल में जस्ट आप साफ़ कर सकते हैं पानी, और इसमें साफ़ होने के बाद जो है मिनरल भी ऐड हो जाते हैं। ये प्लांट भी लगवा सकते हैं, इसमें मिनरल भी ऐड हो जाते हैं। तो ये आपको जी फाइनल फाइनल मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये का। तो ये आप सेट जो है वो चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे कि ये 2-3 महीने बाद जो है आपको मुकम्मल सेट चेंज करवाना पड़ता है। कोई भी अगर आपके घर में आर ओ लगा हुआ है ये मुकम्मल सेट जो है आपको मिलने जा रहा है। कितने का सर? ये 1500 रुपये का आपको मिलेगा। वियतनाम का इंपोर्टेड में आ जाता है ये। ये आपको सेट पूरा मिलेगा थ्री स्टेजेस का आपको 1500 रुपये में। जो नॉर्मल है वो आपको लोकल में आपको मिलेगा 1000 रुपये का। ये लोकल में आ जाता है। अगर कम प्राइस में आप लगवाना चाहते हैं तो ये आप लगवा सकते हैं। आप ये आपको मिलने जा रहा है जी 1000 रुपये का। और इसी के साथ एक और ये जी वैरायटी मौजूद है, ये थोड़ा सा उससे भी डाउन है, ये आपको मिलेगा 800 रुपये का। तो व्यूअर्स, अगर आपके आर ओ प्लांट का जो पंप है वो ख़राब हो जाता है तो आप इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। अगर आप न्यू लेना चाहते हैं तो ये न्यू की प्राइस आपको बता देते हैं। ये 7,500 के, 7,500 रुपये का आपको मिलेगा। ब्रेन चेंज करवाना चाहते हैं, मेम्ब्रेन आपकी ख़राब हो जाती है तो ये आपको मिलेगी। ये कितने की? ये भी 7,500 की, 7,500 रुपये की आपको मिलेगी। USA की इम्पोर्टेड है। 100 GB। अच्छा इसका क्या काम होता है? ये वो दो जगह पे तक सीम करते हैं पानी। ये अगर ये ख़राबी इसमें आ जाती है तो पंप इसका टेस्ट चेंज हो जाता है पानी का? टेस्ट चेंज हो जाता है, पानी नहीं देता, उसकी वजह से पंप ख़राब हो जाता है इसके। टाइम पे फिल्टर चेंज होते रहता है इसमें। ये देख सकते हैं जी पुश करने के लिए जो पंप है ये। अगर आप किसी भी बड़ी बोतल से पानी निकालना चाहते हैं तो आपको बोतल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट इसके ऊपर लगा कर आप पानी सक कर सकते हैं। हैंड पंप है इसको बोतल से पानी निकालने के लिए। कितने लीटर का? ये लीटर नहीं होता, 19 लीटर पे लगता है ये। अच्छा 19 लीटर पे, छोटे पे 19 लीटर की बोतल पे आप इसको लगा सकते हैं और पानी वगैरह लेने के लिए इसको पुश किया जाता है। ये देख सकते हैं आपको, ये कितने का है? ये 750 का। ये 750 रुपीज़ का आपको मिलेगा ये। इसके अलावा इनके पास कमर्शियल पंप भी मौजूद होते हैं, कमर्शियल आर ओ भी इनके पास मौजूद होते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।